जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड T20 मैच प्रीव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन दोपहर के 3:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब दोस्तों हमें पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 1 सितंबर को बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में फर्स्ट T20 मैच खेला गया था, उसी वेन्यू के ऊपर दोस्तों मैच होगा। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की कुछ फोटोज़ हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज़ के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पिच यहाँ पर इस तरह से दिखने वाली है। इस पिच की दोस्तों खासियत क्या है, आप चाहे यहाँ पर जो पिछली सीरीज थी वो भी उठा के देख लो, कौन सी, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों पहला मैच आपने तो देख ही रखा होगा किसका, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का। तो यहाँ पे दोस्तों अपन ने क्या देखा था, जो पिच है ना दोस्तों पूरी खत्म पिच है। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम स्लो पिच है दोस्तों, यहाँ पे बॉल ना बैट के ऊपर बहुत रुक के आती है। चाहे आप कितने ही यहाँ पे मेहनत कर लो, आपको वेट करके खेलना पड़ेगा, बॉल का इंतजार करके खेलना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे पूरे शॉट्स कंप्लीट खेलो, आधे अधूरी शॉट्स यहाँ पे दोस्तों नहीं खेल सकते। इसमें क्या होता है, बॉल यहाँ पे रुक के आती है, विकेट के अंदर फंस के आती है, मिली सेकेंड्स का डिले होता है यहाँ पर, उसी में दोस्तों बैट्समैन यहाँ पे बीट खा जाते हैं, ठीक है। तो पिच यहाँ पर स्लो रहेगी, आपके लिए थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आपको पिच और अच्छे से दिखेगी। या आप देख रहे हो दोस्तों ये पिच आपको ऐसे तो बढ़िया दिख रही है, लेकिन जब आप यहाँ पे जूम करते हो ना तो आपको यहाँ पे हल्के हल्के क्रैक्स विजिबल होते हैं, ठीक है। पिच के अंदर बहुत सारे दोस्तों क्रैक्स है, इस पिच के अंदर ड्राइनेस है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पिच दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी सूखी हुई है। जब यहाँ पे कॉमेडेटर्स ने मिट्टी को हाथ लगा के परखा था ना, तब उन्होंने बताया था कि पिच के अंदर दोस्तों ड्राइनेस है, ब्लैक कलर की सॉइल है, काली मिट्टी से दोस्तों पिच बनी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिच को, ये देखो दोस्तों मेरे हिसाब से स्लो पिच है, यहाँ पे स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, उनकी बॉल बहुत टन लेती है, पड़ने के बाद यहाँ पे बॉल पड़ती है दोस्तों ऐसे ऐसे निकलती है बॉल, यहाँ पे स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है। और जो गति परिवर्तन करते हैं ना, जैसे मुस्तफिजुर रहमान हो गए दोस्तों, गति परिवर्तन करते हैं बॉल के ऊपर, उंगलियाँ फेरते हैं, हाथ फेरते हैं, ठीक है, वो बॉलर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टेडियम आप देख सकते हो बहुत शानदार सा शेर बंगला नेशनल स्टेडियम। अब प्रैक्टिकल नॉलेज चल को फोटो से हमने दिखा दी, स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इस वेन्यू के ऊपर ना बांग्लादेश ने आज तक 36 मैच खेले, 16 मैच जीते हैं T20 के अंदर। वही न्यूजीलैंड यहाँ पर 2 मैच खेली है, 1 मैच जीती है, 1 मैच हारी है। अब देखो जो टीम बैट फर्स्ट करी है इस वेन्यू के ऊपर 5 मैच जीती है, और जो टीम यहाँ पर चेस करी ना यहाँ पर 11 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 16 गेम्स। आप पिछला गेम भी देख लो, उसके अंदर भी जो टीम थी बांग्लादेश चेस करते हुए जीती थी, एवरेज स्कोर आपको यहाँ पे 100-140 बनता हुआ दिखेगा। अब ध्यान देना है पे लास्ट 11 मैचेस से स्वैनी के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाजों ने 89 विकेट्स निकाले, पहली पारी में कितने 47 विकेट्स है, दूसरी पारी के अंदर पेसर्स के 42 विकेट्स है। अब देखो किस टाइप के पेसर्स विकेट निकालते हैं, राइट आर्म पेसर्स 55 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स 34 विकेट है यहाँ पर। अब बात करते हैं स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करा है, लास्ट 11 मैचेस में 60 विकेट निकाल रखे हैं, तो विकेट्स बहुत गिरते हैं स्पिनर के ऊपर। पहली पारी के अंदर 27 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 33 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, क्योंकि बांग्लादेश के पास ज़्यादातर वही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 30 विकेट निकाले, लेग स्पिनर्स 13 विकेट्स है, 17 विकेट यहाँ पे ऑफ स्पिनर्स के हैं। जो लास्ट मैच हुआ था 1 सितंबर को, 1-2 दिन पहले हुआ था बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, उस मैच के अंदर यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम 60 रन पे दोस्तों सिमट गई थी पूरी। तो उस मैच में ना 5 विकेट यहाँ पे किसने निकाला था, पेसर्स ने, और 8 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। क्लाउडी वेदर यहाँ पे रह सकता है दोस्तों, बारिश आ सकती है, आप खुद गूगल के ऊपर जाके वेदर फोरकास्ट चेक कर सकते हो। मैं आपको दोस्तों हमेशा यहाँ पे ट्रांसफर रखने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हो दोस्तों आप यहाँ पे जस्ट मिनट लोड हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश के दोस्तों आसार दिख रहे हैं मेरे को। ये मैच फ्राइडे को आपको भी पता ही रहेगा कितने बजे स्टार्ट होगा, 3:30 बजे, तो हल्की सी दोस्तों बारिश आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे तो वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है मैच से पहले बारिश आ सकती है, और फिर मैच
चलेगा ना तब से दोस्तों बारिश नहीं आनी चाहिए ऐसा कहा गया। देख सकते हो आप यहाँ पे 11 बजे के आसपास बारिश होगी, ठीक है, 1 बजे तक। फिर उसके बाद क्या होगा, मैच तो 3:30 बजे स्टार्ट होगा, तो तब से दोस्तों लेके बारिश नहीं आनी चाहिए करीबन रात के 11-12 बजे तक। अपन दुआ करते हैं दोस्तों मैच पूरा हो, अपन दोस्तों यहाँ पे मेहनत करने उसके ऊपर, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो। अब न्यूज़ क्या आ रही है दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ आ रही है न्यूजीलैंड की तरफ से, बड़ी न्यूज़ है कि फिन एलन नेगेटिव पाए गए हैं कोविड, तो वो अब इस टीम के अंदर आ सकते हैं, प्रैक्टिस उन्होंने चालू कर दी है। तो देखते हैं दोस्तों इस मैच के अंदर क्या अवेलेबल हो पाते हैं, अगर अवेलेबल होते हैं तो पक्का ओपन करेंगे। दोनों टीम्स ने आपस में 11 मैच खेले हैं आज तक, और बांग्लादेश 1 जीती है और न्यूजीलैंड दोस्तों 10 जीती है। मेरे हिसाब से 4 न हो जाए थोड़े दिनों में, क्योंकि आपको पता ही दोस्तों क्या करने में लगा हुआ, बांग्लादेश पिच ऐसी बना रहा है दोस्तों, ख़त्म पिच एकदम पूरी, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, एकदम स्पिनर्स के लिए और बॉलर्स के लिए पूरी पिच ऐसी टाइप की पिच है, और ऐसी पिच पर दोस्तों न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को खेलने की आदत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद नईम शेख ओपन करेंगे लिटिन दास के साथ, शाकिब अल हसन 1 डाउन है, मुशफिकुर रहीम 2 डाउन है, महमूदुल्लाह 3 डाउन है, नूरुल हसन, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन, मोहम्मद शेफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, नसूम अहमद, ये आपको दिखेंगे। फिर इसके बाद अपन चलते हैं इसकी तरफ न्यूजीलैंड की तरफ, तो फिन एलन आ सकते हैं, रचिन रविंद्र के साथ ओपन करेंगे, विल यंग 1 डाउन, कॉलिन डी ग्रैंडो में 2 डाउन आएंगे, टॉम लैथम, टॉम ब्लेंडन, कॉली मतलब बोल सकते हैं अपन इसको, कॉल मैकॉन्जी आ सकते हैं, फिर आएंगे यहाँ से हेनरी निकल्स, इतना नीचे दोस्तों अब आपको हो गए, फिर आएंगे यहाँ से डग ब्रेसवेल, स्कॉट कुकलेजी, निजाज पटेल। मैं क्या चाह रहा था दोस्तों आपको पता है कि एक ये बॉलर हो गए, 4 ओवर डालेंगे पक्का, स्पिनर तो 4-4 ओवर डालेंगे, कॉल मैकॉन्जी भी 4 ओवर डाल देंगे, रचिन रविंद्र 4 ओवर डाल देंगे, एजाज पटेल 4 ओवर डाल देंगे, तो 12 ओवर तो इनसे हो गए, ठीक है, कंफर्म है। तो अब जो बचते हैं दोस्तों 8 ओवर्स, वो कौन डालेगा, वो डाल देंगे यहाँ पर देखो डग ब्रेसवेल डाल देंगे, और फिर यहाँ से कॉलिन डी ग्रैंडो में डाल देंगे। इनको दोस्तों अपना बैटिंग को थोड़ा सा डेप्थ करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने थोड़े बैट्समैन ज़्यादा ले रखे हैं, वरना सिंपल आपको बताओ हेमेज बेनेट को ले आओ, क्योंकि बैट भी करना जानते हैं थोड़ा बहुत, और विद द बॉल गति परिवर्तन कर सकते हैं हेमेज बेनेट, किसके बदले हेनरी निकल सकते, फिर टॉम ब्लेंडन के बदले आप इनको खिला सकते हो, समझ गए दोस्तों। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, इस टीम के अंदर सिर्फ टॉप ऑर्डर में 2 लेफ्टी बैट्समैन हैं, तो यहाँ पर जो कॉल मैकॉन्जी हैं ये स्टार्टिंग रोज टारगेट करते हैं ऑफ स्पिन से, और इस टीम के अंदर भी जो कॉम्बिनेशन रहेगा और राइट हैंड लेफ्ट हैंड रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है सामने से यार नसूम अहमद आ जाता है, फिर मेहदी हसन आ जाता है, मेहदी हसन ऑफ स्पिनर है और नसूम अहमद दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, चाहे लेफ्टी बैट्समैन चाहे राइटी बैट्समैन हो, तो कॉम्बिनेशन बना के खेलना पड़ेगा टीम्स को, ऐसा नहीं कि आप राइटी बैट्समैन भेज दे रहे हो दोनों तरफ से, तो दिक्कत हो सकती है। अब देखो जब दोनों टीमें आपस में खेलती तब क्या होता है, जब मोहम्मद नईम खेलते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड 38 चेसिंग, 27 चेसिंग, 19 चेसिंग, 1 चेसिंग, सौम्य सरकार का 7 मैच के अंदर 150 रन है, 22 की एवरेज है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, हाईएस्ट 51 30 प्लस 3 बार करा है, डिसेंट प्लेयर है। शाकिब अल हसन 7 मैच में 4 विकेट से 97 रन है, बैट फर्स्ट 14-3, बैट सेकंड 41-11-2-1-25 लास्ट मैच में कराई था इन्होंने। मुशफिकुर रहीम 50-4-0-16 नॉट आउट करा है अगेंस्ट दिस टीम न्यूजीलैंड, बेटर प्लेयर है सब जानते हैं इनके बारे में हमेशा, और कीपिंग दोस्तों ये नहीं करेंगे पहले 2 मैच के लिए, फर्स्ट और सेकंड T20 मैच के लिए कीपिंग करेंगे नूरुल हसन, फिर थर्ड और फोर्थ ODI के लिए कीपिंग करेंगे अपने मुशफिकुर रहीम। नूरुल हसन 10 रन है, 7 रन है, 7 रन है 3 मैचों के अंदर, वैसे तो 4 मैच खेले पर आपको बताइए लास्ट मैच में उनका चांस नहीं मिला था विद द बैट परफॉर्मेंस देने का। महमूदुल्ला 10 मैच 200 रन, 1-2 डाल सकते हैं ये भी, 22 के एवरेज है, हाईएस्ट देख सकते हो 52 है, और बैट फर्स्ट 52-11, बैट सेकंड 34-21-19-18-11-5 और लास्ट मैच में 14 नॉट आउट था। आफिफ हुसैन ने 4 मैच खेले, परफॉर्मेंस देने का मौका 3 बार मिला है, 45-8-2, मतलब एक टाइम ऐसा था कि आफिफ हुसैन तक की बैटिंग आती थी, और अब देखने को मिल रहा है कि आफिफ हुसैन वगैरह भाई साहब बैठे हुए हैं मस्त आराम से, क्योंकि दोस्तों जब वो मैचेस हो रहे थे न्यूजीलैंड के अंदर तो विकेट्स बहुत गिरते थे बांग्लादेश वाले प्लेयर्स के, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों ट्रेंड बोल्ड स्टोरी वगैरह थे। मेहदी हसन की बात करते हैं, यहाँ पर 4 मैच के अंदर 5 विकेट्स है, मोहम्मद शेफुद्दीन का 34 रन है और 3 रन प्लस 1 विकेट है प्लस 2 विकेट है, तो उनका भी दोस्तों बहुत डिसेंट परफॉर्मर रहा है हमेशा जब भी खेलते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मुस्ताफिजुर दोस्तों यहाँ पर एक प्लेयर टू वॉच आउट हमेशा रहते हैं, 5 मैचों में 9 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेटलेस गया है, और बॉल फर्स्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा, अपनी गति परिवर्तन करते हैं, उंगलियाँ फेरते हैं बॉल के ऊपर, कटर से डालते हैं। नसूम अहमद इसने भी दोस्तों पिछली सीरीज से उसके अंदर बहुत नाम कमाया था, अगर आपको याद हो तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉल को बहुत अच्छे से टर्न कराया था, और हर बार नई बॉल से विकेट निकाल रहे थे यहाँ पर, मतलब शेर बंगला नेशनल स्टेडियम पे तो एक कॉमन सी बात है यार नई बॉल से विकेट निकालना। 4 मैचों में 4 विकेट्स है, 2 मैच के अंदर विकेटलेस गए, और अगेंस्ट बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश की तरफ से खेलते हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। लिटिन दास वर्सेज न्यूजीलैंड
6401। शरफुल इस्लाम भी आ सकते हैं, 3 मैचों के अंदर 2 विकेट है इसका, 1 मैच में विकेट लस गया है। अब चलते हैं दोस्तों स्टार्टिंग ओवर लेके आएंगे नसूम अहमद, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन। अब डेथ ओवर में मुस्ताफिजुर रहमान, शाकिब अल हसन, मोहम्मद शेफुद्दीन और शरफुल इस्लाम। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये दोस्तों हर प्लेयर का हेड टू हेड स्टैट्स भी मेरे पास है, प्लस दोस्तों यहाँ पर उनका T20 स्टैट्स भी है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या है वो चीज़ें, ठीक है। तो देखो फिन एलन 3 मैच खेला इसने अगेंस्ट है बांग्लादेश, 71 बैट फर्स्ट, 17 बैट फर्स्ट, 0 बैट फर्स्ट, और ये चेस पे बहुत अच्छा करते हैं वैसे तो नॉर्मली। और 2021 के अंदर 33 मैचेस में 1100 रन, 37 की एवरेज है। टॉम ब्लेंडन आएंगे यहाँ से, 52 मैचेस के अंदर कितने की एवरेज है, 25 की एवरेज है T20 क्रिकेट में, 1000 रन है, 79 30+, 12 बार करा है, बैट फर्स्ट में 20 है और बैट सेकंड में 28 की एवरेज है। 2021 के अंदर आप देख सकते हो 8 मैचेस में 187 रन है और हेड टू हेड मैचेस में इसका 2 रन है बैट फर्स्ट करते हुए। रचिन रविंद्रा T20 करियर के अंदर 22 मैच में 19 विकेट्स है, 291 रन है और हेड टू हेड मैचेस के अंदर इसका 1 विकेट है और गोल्डन डक पे आउट हुए थे। मतलब आप सोच रहे हो कि रचिन रविंद्रा ने भी डेब्यू करा, कॉली मैकेंजू ने भी डेब्यू करा था वहाँ पे, मैं कौन सी करके प्लेयर है, तो वो दोनों दूसरे डक पे आउट हुए थे, सोच के देखो अब एक बार। विलियंग 4 मैचेस खेले, 53-14 बैटिंग नहीं आई, फिर 5 रन है बैट फर्स्ट करते हुए, ये भी बहुत डिसेंट प्लेयर है। हेड टू हेड मैचेस में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इसका और 2021 के अंदर वैसे बढ़िया फॉर्म है, 40 के एवरेज 10 मैचेस में 364 रन है। कॉलिन डी ग्रैंडो में वर्सेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अगेंस्ट बांग्लादेश, 41 नॉट आउट वाइल चेसिंग, 4 रन बैट फर्स्ट, 2 रन बैट फर्स्ट, 1 रन बैट फर्स्ट, दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया प्लेयर है। और जो शॉर्ट सिलेक्शन गलत था उनका, देख के लगा नहीं दोस्तों, जिस तरह से और प्लेयर्स आउट हुए थे उस तरह से आउट हुए थे, इन्होंने अपना विकेट गिफ्ट करा था, मतलब कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे, ऐसा लग रहा था स्वीप शॉट मारा था इन्होंने। तो मैं आपको बस ये जब सीरीज के मैचेस रिपीट होते हैं ना, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दोस्तों अपने पिछले मैच में देखी थी, उस प्लेयर का इंटेंट कैसा था। तो दोस्तों प्लेयर मेरे को सही लगा और ऐसा कोई गलत शॉट है, मतलब कि मिस टाइम वाले शॉट्स नहीं खेले थे, थोड़े से कंट्रोल के अंदर दिखा, लेकिन वही कहते हैं ना यार 2-3 बॉल में अपन क्या कह सकते हैं, स्वीप शॉट मार के आउट हो गए थे। टॉम लैथम हेड टू हेड में 18 रन है वाइल्ड बैट फर्स्ट और इसका T20 के अंदर 73 मैचेस में 16 रन है, बैट फर्स्ट में अच्छा करते हैं, 30 बैट सेकंड में 22 की एवरेज है। हेनरी निकल्स हेड टू हेड मैचेस के अंदर 2 मैच खेले है, 7 करा एक बार 18 करा है अगेंस्ट बांग्लादेश, बैट फर्स्ट में भी ठीक है, बैट सेकंड में भी ठीक है और T20 करियर के अंदर 43 मैच में 960 रन है। कॉल मैकॉन्जी आएंगे यहाँ से, 64 मैच के अंदर 41 विकेट है T20 करियर के अंदर और ये 2021 के अंदर भी अच्छे फॉर्म में थे, 11 मैच के अंदर आप देख सकते हो 300 रन, 4 विकेट था, हेड टू हेड मैचेस में 1 विकेट था, तो बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। डग ब्रेसवेल T20 करियर के अंदर 64 मैच में 71 विकेट्स है, हेड टू हेड मैच के अंदर 5 रन प्लस 0 विकेट था और पेसर्स को दोस्तों बहुत लेट बॉलिंग कराई गई थी आपको बता रहेगा ये। तो स्कॉट कोगलजिन यहाँ पर आएंगे, इस टीम के अगेंस्ट भी नहीं खेला है लेकिन इनका T20 करियर के अंदर 118 मैच में 118 विकेट्स है, ये विद द बैट भी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो टीम को इसको प्रेफर करना चाहिए था मेरे हिसाब से जैकब डफी ब्लैक टिकनर के बदले, पर देखते हैं दोस्तों इस मैच में क्या होता है। हेमेश वेनेट का हेड टू हेड मैचेस में 2 मैचों में 3 विकेट्स है, ये गति परिवर्तन कर सकते हैं, मिश्रा इनके पास अच्छा खासा है, तो टीम को इनको भी प्रीफर करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ जैकब डफी तो ब्लैक टिकनर। एजाज पटेल डिसेंट बॉलर है, हेड टू हेड मैचेस के अंदर 1 विकेट है, मात्र 4 ओवर में 7 रन दिया था इसने। जैकब डफी का हेड टू हेड मैच में 0 विकेट्स है, मैट हेनरी का हेड टू हेड में 1 विकेट है, बैन स्टेट्स भी दोस्तों आ सकते हैं, इनका T20 करियर के अंदर 12 मैचों में 15 विकेट्स आज तक। स्टार्टिंग ओवर एजाज पटेल, कॉल मैकॉन्जी, रविंद्र डालेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर, स्पिनर मेरे हिसाब से आपको हमेशा दिखेंगे स्टार्टिंग ओवर्स लेके। डेथ ओवर में हेमेश वेनेट आएंगे, स्कॉट ओग्लेजी आएंगे, एजाज पटेल आएंगे। अगर यहाँ पे हेमेश वेनेट नहीं खेलता है या फिर जैकब डफी खेलते हैं या फिर आपको वहाँ पे ब्लैक टिकनर दिख जाते तो वो आ जाएंगे। अब देखो जब ये स्वैनी के ऊपर मैचेस हुए तब क्या हुआ है, मोहम्मद नईम 41 मैच, 915 रन, 26 की एवरेज है, सौम्य सरकार का आप देख सकते हो, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। शाकिब अल हसन 106 मैच में 144 विकेट्स है, 1900 रन है, वशुगर रेम का यहाँ पे 35 की एवरेज है, नूरुल हसन का दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस लेकिन नीचे खेलते हैं वही दिक्कत है। महमूदुल्ला 117 मैच में 2400 रन है, रफीफ हुसैन का यहाँ पे 60 मैचों के अंदर 900+ रन है, 17 विकेट्स है, मेहदी हसन का 56 मैच में 46 विकेट्स है और मोहम्मद शेफुद्दीन का यहाँ पर 50 मैचों में 67 विकेट है, नसूम अहमद का 37 मैचेस के अंदर 33 विकेट है, मुस्तफिजुर रहमान का 63 में 91 विकेट्स। लिटिन दास भी आप देख सकते हो यहाँ पर 1700 रन है, 63 मैचेस के अंदर 25 के एवरेज है और ज़्यादातर इसके जो 30+ स्कोर्स आए ना वो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर आए हैं, इसलिए दोस्तों मैंने लिखा हुआ था आपको लास्ट स्टूडियो के अंदर भी, इसलिए प्रीफर नहीं करा था। वही बात करते हैं यहाँ पे टॉम ब्लेंडन की 2 रन है यहाँ पे बैट फर्स्ट करते हुए, रचिन रविंद्रा का यहाँ पे 1 विकेट है, विलियम का बैट फर्स्ट 5 है, कॉलिन डी ग्रैंडो का 1 है,
टॉम लैथम का 18 बैट फर्स्ट, एने निकल्स 18 बैट फर्स्ट, कॉल मैकॉन्जी का यहाँ पे 0 रन बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है, डग ब्रेसल का 5 रन प्लस 0 विकेट है, एजाज पटेल का दोस्तों बॉल सेकंड 1 विकेट है, जैकब डफी 0 विकेट है, विलाट इग्नेट 0 विकेट है। चलते हैं यहाँ पे मैचअप्स की तरफ, तो मोहम्मद नईम शेख का स्ट्रगल है कॉल मैकॉन्जी के सामने, एक बॉल 0 रन आउट हुए, लेग्समिन के सामने दोस्तों नईम शेख आउट होते हैं ज़्यादातर, लेग स्पिनर है नहीं इस टीम के पास। सौम्य सरकार की बात करते हैं, उनका स्ट्रगल मैट हेनरी के सामने, कॉलिन डी ग्रैंडोम के सामने, शाकिब अल हसन आएंगे यहाँ से, इनका स्ट्रगल है, रचिन रविंद्रा के सामने, इनकी धुलाई भी करी थी लास्ट मैच में, 15 रन बनाए थे 14 गेंदों के अंदर, एक बार आउट हुए, कॉलिन डी ग्रैंडोम ने इनको 2 बार आउट करा है। मुशफिकुर रहीम वर्सेस लेग स्पिनर आपको देखने को मिल सकता है, पर लेग स्पिनर नहीं है न्यूजीलैंड वाली टीम के पास। फिर आएंगे यहाँ से महमूदुल्ला, इनका स्ट्रगल है मैट हेनरी के सामने, कॉलिन डी ग्रैंडोम के सामने और लेग स्पिन के सामने। आफिफ हुसैन वर्सेस लेग स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म पेसर्स आप देख सकते हो कैसे, जैसे कि लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने से 24 इनिंग्स खेली है, 8 बार आउट हुआ है, 102 गेंदों के अंदर 144 रन है। नूरुल हसन वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर, लिटिन दास वर्सेस आपको देखने को मिलेगा एजाज पटेल, 3 गेंद देख रहे हैं, 1 बार आउट करा है और लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने दिक्कत है। टॉम ब्लंडन वर्सेस नसूम अहमद, 1 बॉल 0 रन और आउट करा है, इसको बोल्ड हुआ था ना पहली बॉल पे एकदम, और सारी बॉल्स इसने डाली थी 82 माइल्स पर आवर्स की, माइल्स नहीं 82 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, और जो बॉल इसको बोल्ड करी थी ना टॉम ब्लंडन को, वो आई थी 94 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, तो तेज गति से बॉलिंग कराई थी इसको। रचिन रविंद्रा वर्सेस मेहदी हसन, गोल्डन डक पे आउट करा था दोस्तों, जल्दी शॉट खेल लिया था उन्होंने, कॉटन बोल करा था पहली गेंद के ऊपर। विल यंग वर्सेस आपको देखने को मिलेगा मेहदी हसन, 26 गेंद 21 रन 3 दफ़ा आउट करा है, और शाकिब हसन ने 3 गेंद में 1 बार आउट करा है। ये दोस्तों अच्छे इंटेंट दिखे थे इसके शॉट्स खेलने के, रिवर्स लैप मारा था एक तो कॉलिन डी ग्रैंडोम वर्सेस नसूम अहमद एंड रूबेल हुसैन, टॉम लैथम वर्सेस आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद शेफुद्दीन, लास्ट मैच में आउट करा था, रूबेल हुसैन ने इनको 2 बार आउट करा है, मुस्तफिजुर्रहमान ने 74 गेंद 75 रन देकर 3 बार आउट करा है। आएंगे हेनरी निकल्स, इनका स्ट्रगल है मोहम्मद शेफुद्दीन, 32 गेंद 23 रन 1 बार आउट करा है, और मेहदी हसन ने 1 बार आउट करा है, मुस्तफिजुर्रहमान ने 2 बार आउट करा है, कॉली मैकॉन्जी ने शाकिब हसन के सामने 3 गेंद फेस करी और आउट हो गए थे डक पे। कॉमन कैप्टन मुस्तफिजुर्रहमान, शाकिब हसन, बड़ी लीग्स में सुनाना है, शाकिब टॉम लैथम मुशफिकुर रहीम, और यहाँ से दोस्तों आप तो मुस्तफिजुर को ट्राई करना है तो नसूम अहमद को वो आपको ट्राई करना है, न्यूजीलैंड के प्लेयर तो विल यंग और कॉल मैकॉन्जी को आप ट्राई कर सकते हो। बात करें यहाँ पे टीम्स की, क्या रहने वाली है यहाँ पे टीम्स, तो यहाँ पर आपको दिख रहे रहेंगे कैप्टन ने शाकिब हसन, जनता ने दोस्तों न्यू को कर रखा अपने लास्ट मैच में, दोनों को ही बनाया था शाकिब हसन और मुस्तफिजुर्रहमान को। और दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ पर अपन जो मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का कवर नहीं कर पाया यार, क्योंकि कितना बढ़िया मैच होता, आप भी जानते हो दोस्तों मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ, लेकिन जो ऐसे मैच होते हैं ना उनके लिए आपको करीबन 3-4 दिन पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है यार, मतलब आप जाते हो ESPN वगैरह की वेबसाइट पे जाके आप हर मैच को जो हर काउंटी क्रिकेट के मैच को जाके देखते हो वहाँ पे कि भाई किसी प्लेयर ने स्वनी पर तो नहीं खेला, इस तरह से दोस्तों हर मैच अब डेटा देखनी पड़ती है, तो उसके अंदर करीबन 3-4 दिन लगता है, आपको लगता है कि दोस्तों यार वीडियो बनाया एक बार ऐसे स्टैट्स आ गए सीधा बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर दोस्तों प्रिपरेशन करनी पड़ती है कम से कम 3-4 दिन पहले से, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल के मैचेस होते हैं, तो मैं कभी भी दोस्तों कोई अच्छे से मैच कवर करता हूँ उसको दिल से कवर करता हूँ, या फिर भाई उसको मैं साइड में रख देता हूँ, भाई नहीं हो पाएगा अपने से, मैं दोस्तों बीमार था आपको पता ही था, तो दोस्तों दुख तो मेरे को भी और यार कवर करना चाहिए था, बहुत अच्छा मैच जाता हो, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों मैंने थोड़ी चीज़ें देखी तो लग रहा था यार मैच बहुत अच्छा जा सकता था अपने के लिए, टेस्ट मैच में दोस्तों आपको पता ज़्यादा चीज़ें सही जाती है, पर कोई बात नहीं है अब इस पर फोकस करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो फिन एलन, ये दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया विकल्प आपके पास, अटैक करके खेलते हैं, विलियंग हुए यहाँ से, ये नहीं खेलते हैं क्या, तो फिन एलन नहीं खेलेंगे तो मैं यहाँ पे कॉलिन डी ग्रैंडोम को ले लूँगा, सीधी बात है, नईम शेख यहाँ से, रचिन रविंद्रा ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब बड़ी लीग्स में क्या करना है वही कहूँगा दोस्तों, फिर से आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, इसके अंदर आप ऐसे थोड़ी सी रिस्की टीम्स बना सकते हो विद द बैट्समैन का रिस्क लेके, क्योंकि बैट्समैन दोस्तों ज्यादा पॉइंट्स दे नहीं रहे, आप देख लो यहाँ पे 31 पॉइंट से किसी ने ज़्यादा ही नहीं दिया बैटर ने, यहाँ पे देखो कीपर थे इसलिए उन्होंने 43 पॉइंट दिया, वो भी आई थिंक कीपिंग से दिए थोड़े बहुत तो जोड़ जाड़ के, देख रहे हो आप 12 और 8 पॉइंट, मतलब 20 पॉइंट उसने कीपिंग से दिए थे सिर्फ, मतलब एक कैच पकड़ने का 8 पॉइंट और एक रनआउट का स्टंपिंग का उसने 12 दिया था, तो कुल मिला के आप समझ सकते हो चीज़ों को। ये दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर है मुशफिकुर रहीम, फिर आएंगे यहाँ से ब्लंडन, ट्राई करना दोस्तों अभी टेस्ट प्लेयर है थोड़े से, हेनरी निकल्स से नीचे खेलेंगे यार, यहाँ से महमूदुल्ला आप ट्राई कर सकते हो, 1-2 डाल सकते हैं, ये नईम शेख टॉप ऑर्डर में खेलता है, बस एक कॉल मैकॉन्जी करके ऑफ स्पिनर उनसे बच के रहना है, वरना मेरे हिसाब से अच्छा कर सकते हैं यार। लिटिन दास के लिए तो रचिन रविंद्रा भी रहेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, और वो भी रहेंगे अजय पटेल, देखते हैं, ये भी दोस्तों बेटर प्लेयर है, वैसे कोई मना नहीं है आपको ट्राई करना है तो, डी ग्राउंड में दोस्तों ग्रांड लीग पिक हो सकते हैं, मेरे को पसंद है, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। विल यंग तो मस्ट पिक दोस्तों रहता है हमेशा,
नाम बढ़ा इनका दोस्तों, मेहनत बहुत करी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। फिर नैलन आते अटैक करना कोशिश करेंगे, वो इनका खेल है नेचुरल। ये इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओपन करते हैं, अगर ओपन नहीं करते हैं तो आप ऐसे कॉल में कॉन्जी को ट्राई कर सकते हो। डग ब्रेसवेल अगर न्यूजीलैंड बॉल फर्स्ट करती है तो आप ट्राई कर सकते हो। डाउथर में ये आएंगे मुस्तफिजुर नसूम, मोहम्मद शेफुद्दीन, तीनों मशफिक है। एजाज पटेल दोस्तों मशफिक रहेंगे, ये स्पिन डालते हैं अच्छा खासा, और यहाँ पे एमएच बनाट खेले तो आप ट्राई कर सकते हो। कोई भी फर्दर अपडेट्स आइए आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन ग्राम मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहे स्टार्ट सूरी चैनल पे दोस्तों, नहीं तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट देने की मैं बस कोशिश करूँगा दोस्तों। कोशिश करो, क्योंकि लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। और दोस्तों यही आपसे कहूँगा, कीप लर्निंग, दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, कीप इम्प्रूविंग। जय हिंद, लव यू गाइस, विदाउट यू एम नथिंग।